काव्या क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। आपकी क्लासेस जो है 5-6 दिन लेट शुरू हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले टर्न पर हम लोगों ने क्लॉक का पार्ट 4 पढ़ा था, चौथा पार्ट पढ़ा जो है पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें हमने आपको होमवर्क भी दिए थे 2 क्वेश्चन। उसमें से पहला क्वेश्चन था कि एक घड़ी जो है प्रत्येक घंटे में 15 मिनट जो है ले मतलब फास्ट हो जाती, तेज़ी से चलने लगती है। उसने रविवार को सुबह 6:30 बजे जो है सही समय बताया था, तो अब वह यही समान समय जो है कितने घंटों के बाद बताएगी, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। तो इसका फार्मूला भी बताया था, ये समान समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, 720/x। एक्स क्या है, तेज या मंद मिनटों की संख्या, मतलब फास्ट या लेट जो है मिनट्स की, मिनट्स का नंबर क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है। 720 अपॉन में कितना हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा 15 × 60 और 15 × 8 = 120, मतलब 48 आवर्स आ जाएगा इसमें। 48 घंटों के बाद ये समय कितना बताएगी, 6:30 बजे बताएगी, सुबह के 6:30 बजे होंगे। मतलब कब बताएगी ये, रविवार को तो इसने बताया था, अगर दिन की बात करें तो रविवार को इसने 6:30 बजे बताया था सुबह में, तो 48 घंटे के बाद मतलब 2 दिन के बाद, तो शनिवार, सोमवार और मंगलवार, कब सही बताएगी, मंगलवार, मंगलवार सुबह 6:30 का जो समय बताएगी वो करेक्ट बताएगी, यही आंसर हो गया। घंटों में अगर देखा जाए तो 48 घंटे, और कौन से दिन बताएगी तो दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार सुबह 6:30 बजे। ये पहला जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है ये, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी ने मंगलवार सुबह 6:30 बजे देखा गया, मतलब 6:30 पर देखा गया मंगल को, तभी अपने वास्तविक समय से 1 मिनट लेट थी। लेट कितनी थी उस समय, 1 मिनट लेट थी। बाद में क्या हुआ, जब इसे फिर बाद में देखा गया बुधवार को शाम को 6:30 बजे, फिर बाद में दोबारा कब देखा गया, बुधवार को शाम को 6:30 बजे, 6:30 बजे बुधवार को देखा गया, लेकिन शाम को देखा गया, तब ये कितना था, तब ये जो है अपने वास्तविक समय से कितना, 2 मिनट कैसी थी, फास्ट थी, 2 मिनट कितनी थी, फास्ट थी, ये कंडीशन है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि देखो पहले 1 मिनट लेट चल रही थी, फिर बाद में 2 मिनट कैसी हो गई, तेज हो गई, आगे चलने लगी, तो कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जब इसने बिल्कुल सही समय बताया होगा, तो वही सही समय जो है ज्ञात करना है। इसमें कौन सा समय ज्ञात करना है, सही समय इसने कब बताया, सही समय कब बताया होगा, तो ये आपको ज्ञात करना है। ये होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन है आपको जो दिया था, देखो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, टोटल आवर मतलब कुल घंटे, टोटल आवर्स अपॉन टोटल मिनट, टोटल मिनट का मतलब हो गया
कि लेट वाले भी और फास्ट वाले भी दोनों ऐड कर दिए जाएंगे, लेट वाले भी और फास्ट वाले दोनों क्या कहलाएंगे, टोटल मिनट इंटू लेट मिनट, लेट मिनट। इस प्रकार से अगर दिखा देंगे तो ये क्या बताएगी, राइट समय बताएगी, कौन से वाला समय, राइट टाइम बताएगी, मतलब सही समय बताएगी इतने बजकर इतने मिनट पर। तो टोटल आवर्स हमारे पास कितने हो गए इसमें, देखो मंगलवार की सुबह से लेकर बुधवार शाम तक कितने हो गए, 24 घंटे तो हो गए, बुधवार की सुबह को 24 घंटे हो गए, ठीक है। मंगलवार की सुबह से लेकर बुधवार की सुबह कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। इसके बाद क्या दिखा रहा है, 12 घंटे और, मतलब शाम को दिखा रहा है, तो कितने हो गए टोटल, 36 घंटे हो गए हमारे पास, समझ में आ गया इतना, 36 आवर ये हो गए, अपॉन टोटल मिनट कितने हैं, 1 और 2 3 हो जाएगा, इंटू लेट मिनट कितना है, 1, तो ये 12 से कट जाएगा, तो मतलब 12 इसमें आ गया, 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद इसने क्या बताया होगा, सही समय बताया होगा। 12 घंटे के बाद मतलब कब, मंगलवार की सुबह को 1 मिनट लेट थी, तो सही समय कब बताया होगा, मंगलवार की शाम को बताया होगा, कितने बजे, 6:30, यही आंसर हो जाएगा। एक आंसर इस प्रकार से अगर हम समय देखें तो कब सही बताएगा, 12 घंटे बाद सही बताएगी ये घड़ी, ठीक है। और अगर दिन पूछा जाए तो दिन कब, मंगलवार की सुबह को भैया बताया था 6:30 पे, तो 12 घंटे और जोड़ दो, सुबह में 12 घंटे जोड़ोगे तो शाम के उतने ही बच जाएंगे, तो शाम के कितने बजे, 6:30 बजे इसने सही समय बताया होगा। ये दोनों के आंसर हैं, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग आज क्लॉक का पार्ट 5वां पढ़ेंगे, मतलब 5th पार्ट पढ़ेंगे, 4 हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये 5वें भाग का जो नाम है वो है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अतिव्यापन। क्या होता है कि अतिव्यापन, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे कोई क्लॉक है, ये जनरली अतिव्यापन के जो क्वेश्चन आते हैं वो 0 डिग्री आते हैं, 180 डिग्री अतिव्यापन के आते हैं और 90 डिग्री अतिव्यापन के आते हैं, ठीक है। जैसे घड़ी है, ये मान लो मिनट की सुई और ये कौन सी हो गई, छोटी वाली सुई कौन सी है, घंटे की सुई, और बड़ी वाली कौन सी है, मिनट की। जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं बिल्कुल, और दोनों के बीच में जब कोण, जो एंगल होता है, एंगल बनता है 0 डिग्री का, ये एंगल कौन सा है, जैसे दो सुई है, ये घंटे वाली हो गई, ये कौन सी है, मिनट वाली, ये एक दूसरे के ऊपर हैं दोनों सुई, तो इस समय जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, इसे बोलेंगे 0 डिग्री ओवरलैपिंग बोलेंगे, ठीक है। अब 180 डिग्री वाली कौन सी होती है, 180 डिग्री वाली में घंटे और मिनट की सुई कैसी होंगी, इस प्रकार से आमने सामने होंगी, तो ये कितने का कोण बनाएंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। और कितनी मिनट दूर होगी एक दूसरे से, 30 मिनट दूर होंगी। 0 डिग्री वाली में कितनी दूर होती हैं, 0 मिनट दूर होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो 180 डिग्री ओवरलैपिंग या 30 मिनट ओवरलैपिंग ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अगली कौन सी है, 90 डिग्री,
90 डिग्री वाली जैसे क्या कंडीशन है, जैसे मान लो यहाँ पर है ये सुई, ये 90 का कोण अगर बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री की ओवरलैपिंग कहलाएगी। इसमें दूरी कितनी होती है, 15 मिनट की होती है दूरी एक दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है। तो अतिव्यापन ओवरलैपिंग हम लोग जो पढ़ते हैं सुई की, वो तीन प्रकार की पढ़ते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। समझ में आ गया, तीन प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। अब देखो समझते हैं, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री ओवरलैपिंग। कौन सी 0 डिग्री, इस प्रकार से 0 डिग्री ओवरलैपिंग। समझ में आ गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ओवरलैपिंग में देखो, पहले क्लॉक देखते हैं, ये घड़ी है मान लो, ये 0 डिग्री का कोण कब बनाती है, जैसे मान लो यहाँ 12 हो गए, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, इन दोनों के बीच में 1, 2, यहाँ पर हो जाएंगे 4, 5, यहाँ 7, 8, यहाँ 10 और 11, एक घड़ी है मान लो। इस घड़ी में मान लो 0 डिग्री ओवरलैपिंग देखनी है, 0 डिग्री देखनी है, तो देखो जैसे मान लो 2 बजे होंगे, इस प्रकार से 2 ऐसे बजते हैं, 2 बजे हैं। अब ये मिनट वाली सुई इस प्रकार से इधर आना शुरू करेगी, ये तेज़ चलती है, ये धीरे चलती है, ये भी इधर के लिए चलेगी, लेकिन एक समय ये आएगा कि ये इसके ऊपर इस प्रकार से ऊपर ओवरलैप कर जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो देखो यहाँ से फिर से देख लो, यहाँ 2 बजे थे इस प्रकार से, और जब 3 बजेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन 3 बजे की हो जाएगी। तो ये मिनट वाली सुई पूरा घूम के आएगी, तो एक घंटे में जो 0 डिग्री ओवरलैपिंग होती है, 1 आवर में ये कितनी बार होती है, 1 बार होती है। एक घंटे में कितनी बार होती है, 1 बार। तो 2 से 3 के बीच में कितनी बार होगी, 1 बार। इसी प्रकार 3 से 4, अब ये सुई इधर घूम के आएगी तो 1 बार एक दूसरे पर चढ़ेगी ये वाली सुई और इधर आ जाएगी, तो 3 से 4 के बीच में कितनी हो गई, 1 बार। तो 0 डिग्री ओवरलैपिंग जो होती है, मतलब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं, वो एक घंटे में 1 बार होती हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना कि 0 डिग्री जो ओवरलैपिंग होती है वो एक घंटे में 1 बार होती है। तो 0 डिग्री ओवरलैपिंग एक घंटे में कितनी होगी, 1 बार होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है, ध्यान से समझना इसे। अब जैसे मान लो जब बजेंगे 12 यहाँ पर, ठीक है, ये छोटी वाली सुई है, ये बड़ी वाली, तो 12 बज गए। अब 12 से जब 1 बजेंगे तो ये तो सुई इधर आ जाएगी, लेकिन बड़ी वाली कहाँ पर आ जाएगी, घूम के इधर आ जाएगी। तो 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, क्यों, घंटे वाली सुई इधर आ जाती है, अब मिनट वाली घूम के यहाँ पर रुक जाती है, तभी तो हो जाएगा, 1 बज जाएगा। तो 12 से और 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो 24 घंटे में कितनी बार होगी, वैसे 24 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 12 से 1 के बीच में होती नहीं है, तो 24 घंटे में कितनी बार होगी, 22 बार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, 24 घंटे में कितनी बार होगी 0 डिग्री ओवरलैपिंग इन 24 आवर्स, 24 घंटों में कितनी बार होती है, 22 बार होती है, क्यों, 12 से 1 के बीच में नहीं होती है। तो दिन में 1 बार 12 से 1 के बीच में नहीं होगी, रात में 1 बार 12 से 1 के बीच में नहीं होगी, 24 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन के बारे में समझ लो। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 तथा 4 के बीच 0 डिग्री ओवरलैपिंग कितने बजे होगी,
कितने बजे होगी, ठीक है, कितने बजे होगी। तो ये क्वेश्चन, या ये पूछ सकता है कि 3 से 4 के बीच में कब दोनों सुइयां 0 डिग्री, वो 0 मिनट की दूरी पर होंगी, ये भी पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां, दोनों की मतलब क्या हो रहा है इसमें, दोनों सुइयां कौन कौन सी, मिनट और घंटे वाली, 0 मिनट की दूरी पर होंगी, दूरी पर होंगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूरी पर होंगी। तो चाहे 0 मिनट की दूरी पूछ ले या 0 डिग्री ओवरलैपिंग पूछ ले, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 3 और 4 के बीच में ये तो हमें पता लग गया कि जब भी होगी ओवरलैपिंग वो 3 बजकर x मिनट पर होगी, कब होगी, 3 बजकर x मिनट पर होगी। ये लॉन्ग कट मेथड बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, कौन सा मेथड, लंबा मेथड, लॉन्ग कट। तो देखो घंटे हमारे हो गए 3 और मिनट कितने हो गए x। तो देखो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, आवर इंटू 30 प्लस m अपॉन 2 माइनस 6 इंटू m बराबर क्या आ जाता था, हमारा एंगल आ जाता था, ठीक है, बराबर क्या आ जाता था, एंगल। ये हम लोग फार्मूला सबसे पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इसी से इसको निकाल सकते हैं हम लोग, अब देखो आवर्स तो हमारे पास कितने हो गए 3, 3 गुना कितना हो जाएगा 30, ठीक है, प्लस मिनट हमने कितने माने x बटे 2, क्योंकि मिनट हमने x माने, हम लोगों को पता नहीं कब होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 6 और m गुना x हो जाएगा, यहाँ पर बराबर कितना है एंगल, 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है, क्योंकि हमें 0 का ही पता करना है। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। तो देखो यहाँ पर 90 आ गया प्लस यहाँ पर x/2 माइनस 6x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 90 और प्लस ये कितना हो जाएगा 12x और माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 12x और माइनस x तो कितना आ जाएगा माइनस 11x/2 बराबर 0, ठीक है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, 90 बराबर कितना हो जाएगा, 90 बराबर हो जाएगा 11x/2, ठीक है, 11x/2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 11, इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो 180 हो जाएगा यहाँ, और ये इसके गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर भाग दे दो, यहाँ पर 11 180 है तो 11 एकम 11 हो गए, कितने बचे 7 बचे, 0 उतारा यहाँ पर, 11 66 हो जाएंगे यहाँ पर, कितने बचे 4 बचे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 सही 4 बटे 11
ये कितने हो जाएंगे हमारे, मिनट हो जाएंगे, मिनट ठीक है, मिनट हो जाएंगे। तो यही निकाल लो कब जो है सुई 0 डिग्री की ओवरलैपिंग पर होगी, कितने कितने बीच में बताया हमने, 3 से 4 के बीच में बताया, ठीक है। तो 3 से 4 के बीच में बताया है, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, 3 बजकर 16 सही 11 मिनट पर क्या होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। समझ में आ गया? अब इसका शॉर्टकट देख लो, अभी हम लोगों ने लॉन्ग कट पढ़ा है, अब देखो शॉर्टकट इसका। देखो क्वेश्चन क्या था, 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री जो है निकालना था हम लोगों को, ओवरलैपिंग कब होगी, ओवरलैपिंग। अभी हमने लॉन्ग कट मेथड से निकाला था, तो हमारा समय आया था कितना, 3 बजकर कितना आया था, 16 सही 4/11 मिनट आया था, ये आंसर आया था लॉन्ग कट से, ठीक है, अभी आया था। अब देखो शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर जब छोटा समय दिया हो, जितना छोटा समय उसे, जैसे मान लो 3 दिया है छोटा समय, इसे 60/11 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, हमारे क्या निकल आते हैं, मिनट निकल आते हैं इससे, मिनट। तो मिनट बराबर कितने निकल आए यहाँ पर, 180/11, तो यही हो जाएगा 16 सही 4/11, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कब होंगी, कब ऐसी कंडीशन आएगी 0 डिग्री ओवरलैपिंग, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर ऐसी कंडीशन आएगी, मतलब 3 बजकर 16 मिनट हुए होंगे और 4/11 कुछ सेकंड्स वगैरह हुए होंगे, तभी आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो किसी मेथड से लगा सकते हैं, लॉन्ग कट मैंने समझाने के लिए बताया, शॉर्टकट आपको एग्ज़ाम में करना है। शॉर्टकट में इसमें क्या करना है, 60/11 से गुणा कर देना, कौन से समय को, छोटे वाले समय को गुणा कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री ओवरलैपिंग कब होगी, 0 डिग्री ओवरलैपिंग कब होगी, कब होगी, तो देखो सीधी सी बात है, इसे लॉन्ग कट से कैसे करेंगे, देखो 5 तो हमारे हो गए घंटे, × 30 प्लस मिनट हमने कितने मान लिए, एक्स, एक्स अपॉन कितना हो गया 2, माइनस कितना हो जाएगा 6 × x, मतलब 6x बराबर कितना आ जाएगा 0, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 150 प्लस 12 माइनस 1 11 बटे कितना आ जाएगा, 11x बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर 0, तो ये कितना आ गया, देखो ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, 12x माइनस x गया तो 11x/2 आ गया यहाँ पर बराबर 0, तो 11x बराबर कितना आ जाएगा, 11x बराबर कितना आ जाएगा, 150 गुणा कितना हो जाएगा 2, मतलब 300,
11x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 300/11 आ जाएगा, इसको भाग दे दो 11 से 300 के लिए, तो 11 दूनी कितने हो जाएंगे 22, कितने बजे 8, 8 बचे, 0 उतार लिया, 11 सत्ते कितने हो जाएंगे 77 हो जाएंगे, कितने बचे 3 बचे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 सही, 27 सही 3/11 मिनट आ गए हमारे, 27 सही 3/11, क्योंकि हमने एक्स माने थे, मिनट कितने माने थे कि हमने माने थे कि एक्स मिनट पर क्या हो जाएगा 5 बजकर एक्स मिनट पर क्या हो जाएगी 0 डिग्री ओवरलैपिंग, तो कब होगी 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर होगी, यही आंसर है ठीक है, 5 बजकर 27 से 3/11। इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे लगाते हैं, देखो छोटे वाले में किसको गुणा कर दो 60/11 से गुणा कर दो, ये क्या निकल आएंगे मिनट निकल आएंगे हमारे, तो कितना हो जाएगा 300/11 हो जाएंगे बराबर मिनट, तो मिनट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर यही हो जाएगा मिनट बराबर जो अभी निकले 27 सही 3/11 आ जाएगा इसका मतलब, तो कितने बजे हैं हमारे 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर जो है 0 डिग्री ओवरलैपिंग होगी, यही इसका आंसर हो गया ठीक है। आशा करता हूँ आपको 0 डिग्री ओवरलैपिंग समझ में आई होगी, चाहे आप लॉन्ग कट से निकाल सकते हैं, लॉन्ग कट से बहुत ज़्यादा समय लगेगा, एग्ज़ाम में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा शॉर्टकट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो छोटा समय दिया हो उसमें गुणा करनी पड़ेगी 60/11 से, हमारे मिनट निकल आएंगे तो उतने बजकर जितने मिनट निकले हैं उतने ही मिनट पर क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग ठीक है। आगे जो है आपके लिए होमवर्क के लिए एक सवाल है, इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सात से आठ के बीच कब दोनों सुइयां जीरो मिनट की दूरी पर होंगी, 0 मिनट की दूरी पर होंगी, या तो हम 0 मिनट की दूरी कह सकते हैं या 0 डिग्री एंगल कह सकते हैं, एक ही बात है ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन है ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, इसको नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला हमारा है 90 डिग्री ओवरलैपिंग, तो 90 डिग्री ओवरलैपिंग है, जैसे मान लो कोई घड़ी है, इसकी सुई इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर 12 लिखे हैं यहाँ 3 लिखे हैं, वो सॉरी पहले हम लोग पढ़ेंगे 180 डिग्री वाली पढ़ेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे 90 वाली ठीक है। 12 3 6 और यहाँ पर 9 हो गए, तो देखो 180 डिग्री ओवरलैपिंग कब होगी, जब बिल्कुल 6 बजे होंगे यहाँ पर 6 बजे होंगे बिल्कुल, ये कंडीशन होगी, तो क्या हो जाएगी 180 डिग्री, या इधर हम देखें तो इधर कितने बजे होंगे, ये कंडीशन होगी, ये कहीं पर भी हो सकती, ज़रूरी नहीं आमने सामने जब सुइयाँ होती हैं
दो सुई आमने सामने मिनट और घंटे की होती हैं, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। अतिव्यापन कितने का होता है, ओवरलैपिंग बोलते हैं अतिव्यापन के लिए, अतिव्यापन होता है कितना, 180 डिग्री। ये हम कह सकते हैं दोनों सुइयाँ कितनी दूरी पर होती हैं, दूरी अगर देखी जाए कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 30 मिनट की दूरी पर होती हैं, 30 मिनट की दूरी। तो दोनों सुई कितनी मिनट की दूरी पर हैं, 30 मिनट की दूरी पर हैं, सही है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। हाँ अब पहले ये समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पर समझो, एक दो चार पाँच सात आठ दस ग्यारह, जैसे मान लो समय जो है हुआ है अभी 4 बजे हैं, मान लो चार ऐसे ही तो बजेंगे, 4 बजे हैं। अब कब जो है 4 से 5 के बीच में कब सुई एक दूसरे से, एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगी, तो देखो 4 से 5 के बीच में एक ही बार होंगी, यहाँ कहीं पर आकर मिलेंगी सुई, 4 और 5 के बीच में, ये मिनट वाली यहाँ पर और घंटे वाली यहाँ, तो एक ही ऐसी होगी 4 से 5 के बीच में, एक ही ऐसा समय होगा जब 180 डिग्री की ओवरलैपिंग होगी। तो वही बात हो गई कि एक घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होती है, एक बार होती है, ठीक, कौन सी वाली, 180 डिग्री वाली। अच्छा 0 डिग्री वाली भी एक घंटे में कितनी बार होती थी, एक बार, तो 180 डिग्री भी एक घंटे में कितनी होती है, एक बार ही होती है। और 24 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार होती है, क्यों, क्यों 12 और 1 के बीच में क्या होती है, जैसे मान लो 12 बज गए यहाँ पर, ठीक है, तो 12 बज गए, सॉरी 12 नहीं, 12 एक नहीं, 6 से 7 के बीच में नहीं होती, जैसे मान लो ये यहाँ पर कितने बजे हैं, 6 बजे हैं इस प्रकार से, ठीक है 6 बजे हैं। अब ये वाली सुई आएगी, ये वाली आएगी आएगी आएगी, और 6 से 7 के बीच में, जैसे 6 बजे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगी आएगी आएगी, और ये कितने बजा देगी, यहाँ पर 7 बजा देगी इस प्रकार से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों आमने सामने हो, आमने सामने कब होंगी, जब ये वाली सुई यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए तब होगी, जब यहाँ पर आएगी तो 7 से अधिक समय हो जाएगा। तो 6 से और 7 के बीच में ओवरलैपिंग कौन सी वाली, 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री ओवरलैपिंग लैपिंग नहीं होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है नहीं होती है। अच्छा 0 डिग्री वाली कब नहीं होती थी, 12 से 1 के बीच में, तो ये वाली कब नहीं होती है, 6 से 7 के बीच में नहीं होती है। तो हम लोगों को बेस जो लेकर चलना पड़ेगा वो कब कब का लेकर चलना पड़ेगा, 6 का, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है बेस हो जाएगा। देखो कैसे लगाते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। तो कोई पूछे एक घंटे में कितनी बार 180 डिग्री, एक बार, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार, क्यों, 6 से 7 के बीच में नहीं होगी, तो 12 घंटे में 6 से 7 एक बार आएंगे, फिर 12 घंटे में 6 से 7 एक बार आएंगे, तो 24 घंटे में 22 बार ही हो गई। कोई पूछे 12 घंटे में कितनी बार होती है, तो कितनी बार होगी, 11 बार, कौन सी ओवरलैपिंग, 180, सेम कंडीशन है 0 डिग्री वाली ही। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, कौन सा क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है 8 से 9 के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री ओवरलैपिंग करेंगी। तो माना हमने लॉन्ग कट मेथड से हम लोग लगा रहे हैं, तो माना हमने मिनट कितने, 8 बजकर कितने मिनट पर, 8 बजकर कितने मिनट पर, x मिनट पर क्या होगा,
क्या होगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के जो है 180 डिग्री पर होंगे। तो देखो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर लॉन्ग कट मेथड से 8 × 30, पहले ही बता चुके ये फार्मूला, एक्स बटे कितना हो जाएगा 2, यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस 6x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 प्लस एक्स बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 प्लस 6x हो जाएगा। अब देखो 180 240 माइनस 180 आएगा, इधर आ जाएगा माइनस का, और ये वाला इधर माइनस का चला जाएगा, तो 6x माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 गए, इसमें से कितने बचे 60 बचे, यहाँ पर 60 बचे, 60 बराबर कितने बचे यहाँ पर 12, ठीक है 12x माइनस 1x कितना हो जाएगा 11x बटे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे 11, ये जो है भाग दे दो 11 से, 120 के लिए तो 11 × 11 एक बचा 0, तो कितना आ जाएगा एक सही मिनट हमारे कितने आ गए एक सही, x बराबर हमें प्राप्त हो गया एक सही 10/11, 10/11 ग्यारह दहाइयाँ 110, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 10 सही 10/11 ये आ जाएगा, 10 सही 10/111 ये आ जाएगा, तो हमारा कितने बज के कितने मिनट पर 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर क्या होगा, दोनों सुइयाँ क्या बनाएंगी 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सही है, ये हमारी लॉन्ग कट मेथड है। अब देखो शॉर्टकट कैसे करते हैं, शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं, जो छोटा वाला टाइम हमारा दिया होता है 6 को बेस मानते हैं, हम किसको बेस मानेंगे 6 को बेस मानेंगे, हमने बताया था बेस टाइम क्या है हमारा 6 है, क्यों 6 के 7 के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता है, तो देखो 6 को हम लोग बेस मानेंगे और क्या करेंगे छोटा वाला टाइम 6 से कितना अधिक है, छोटा वाला टाइम 6 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 × 60/11 कर देंगे, ये हमारा क्या निकल आएगा मिनट निकल आएगा, मिनट निकल आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120/11, तो क्या आ जाएगा 10 सही 10/11, ये हमारा मिनट निकल आया, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट, ये हमारा जो है शॉर्टकट है, ये बहुत जल्दी हो जाता। इसमें एक ही ध्यान रखना कि जो छोटा समय दिया है और जो 6 से वो कितना अधिक है वही हमें लगाना है, 6 से कितना अधिक है ये 2 घंटे अधिक है, 2 से गुणा कर देनी है 6 से 11 60/11, तो वो हमारा क्या आ जाएगा मिनट आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर मान लो नोट ना हो पाया करे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो रोक कर नोट कर लिया करो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है हमारा कि 2 से 3 के बीच में कब दोनों सुइयां, 2 से 3 तो हम शॉर्टकट मेथड से ही लगाएंगे, लॉन्ग कट तो हम पढ़ चुके हैं, शॉर्टकट मेथड से क्या होगा कि हम छोटा वाला टाइम देखते हैं 6 से कितना ज़्यादा है, तो 6 से ये कितना ज़्यादा है 8 घंटे ज़्यादा है, 4 मत कर देना, उल्टा मत कर देना कि 2 से 6 की ओर नहीं चलना है हमें, 6 से 2 की ओर चलना है, 6 से 2 कितना ज़्यादा है 8 घंटे ज़्यादा है, 8 × कितना हो जाएगा 60/11, ये हमारा क्या निकल आएगा मिनट निकल आएगा। ठीक है, मिनट,
तो मिनट कितने आ गए हमारे पास, 8 × 48, 480 बटे 11 मिनट आ गए हमारे पास। ठीक है, ये आ गए मिनट बराबर इतने, तो इसको भाग दे के देख लो, 480 को 11 चौक 44 होते हैं, 4 बचे 11, दूनी 22 होते हैं, और कितना आ गया 8, तो कितना आ गया 42 सही, 8/11 ये आ गया। तो कितने बजे हो जाएगा ये, 2:42 सही 8/11 मिनट पर क्या हो जाएगा, दोनों सुइयां क्या करेंगी 180 डिग्री ओवरलैप करेंगे 2:00। ये शॉर्टकट मेथड में यही लिखना है, ध्यान रखना है आपको कि जो छोटा समय दिया हो, छोटा वाला, जैसे 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो देखते हैं कि ये 6 से कितना ज़्यादा है, क्योंकि 6 हमारा क्या है, बेस टाइम मान के चलते हैं हम इसको 6 को। ठीक है, तो यही है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। एक क्वेश्चन और देख लो, लिखा है 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां, जहां पर दोनों सुइयां की बात हो रही है वहां घंटे और मिनट की बात होती है, सेकंड की बात नहीं होती है, सुइयां एक दूसरे से तीस मिनट की दूरी पर होंगी, 30 मिनट की दूरी पर होंगी, तो वही है, देखो 30 मिनट दिया हुआ, 30 मिनट बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है 30 मिनट बराबर। इसमें अभी बताया था, पहले बता चुके हैं, जैसे ये घड़ी है, यहाँ मान लो इस प्रकार से है, 3 है इधर, 6 है इधर, 12 है इधर, वो सॉरी इधर 9 है इधर 6 है, तो देखो इधर आमने सामने 180 का है कोण मान लो बन रहा है, तो ये कितनी दूरी पर होंगे, ये 30 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से देखो यहाँ पर कितने मिनट बन रहे हैं, 30 मिनट, यहाँ से यहाँ देखो तो कितने बन रहे हैं, 30 मिनट, तो 30 मिनट की दूरी का मतलब जहाँ पर भी लिखा हो समझ लो 180 डिग्री हो गया। अब देखो इसको शॉर्टकट मेथड से, भाई शॉर्टकट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉन्ग कट हमने बता दिया है, उससे भी निकल जाएगा, शॉर्टकट से भी निकल जाएगा, तो हम लोग एग्ज़ाम की अगर तैयारी करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, शॉर्टकट। लेकिन लॉन्ग कट आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी शॉर्टकट भूल गए तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, करके आना है, समझ में आ गया। तो देखो शॉर्टकट वाले में क्या हो जाएगा, इसमें अब हम लोगों को 6 को क्या मानना है, बेस मानना है, तो 6 और 4 के बीच में कितने घंटे का, 6 से कितने अधिक हैं, 4 कितने घंटे अधिक हैं, देखो 10 घंटे अधिक हैं, 6 के बाद देखो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 6 से 4 कितना हो जाएगा, 7, 8, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 और 10, हाँ सॉरी 10 है, तो 10 घंटे जो हैं अंतर है, तो 10 गुणा कितना कर देना है हमें, 60/11, ये हमारे क्या निकल आएंगे, मिनट निकल आएंगे, तो मिनट बराबर कितना हो गया यहाँ पर, 600 हो गया, 600/11, इसको भाग दे के देख लेते हैं, 11 600 को भाग देंगे तो कितना आ गया यहाँ पर, 11 × 5 = 55 आ गया, 5 जो है उतार लिए यहाँ पर, 55 0 हो गया। ठीक है, अब कितना आ गया, 11 × 44 6 बचा, तो कितना आ गया यहाँ पर, 54 सही
6/11 मिनट आ गया ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4:54 सही 6/11 मिनट। इस समय पर दोनों सुइयाँ कितने पर होंगी, 30 मिनट की दूरी पर होंगी, यही हमारा समय आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। सही है, अब आपके लिए होमवर्क का समय, दूसरा होमवर्क दे रहे हैं आपको, 2 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे आपको। निकालना है 11 से 12 के बीच में, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का, पहला दे चुके हैं। 11 से 12 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होंगी, ये आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और आप कोई भी अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देखोगे उससे बाहर जो है इससे बाहर नहीं आया हुआ होगा वनडे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो एक दिवसीय जो पेपर होते हैं उसके लिए नहीं आएगा बिल्कुल, मतलब जो है इससे बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, आपको रीजनिंग के लगभग 100 क्लास पढ़ाए जाएंगे, तो अगर आप वास्तव में बढ़िया रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।